अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसफाज होम कुकिंग। आज आपके साथ दही बड़ा चाट की एक बहुत मज़ेदार सी और चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत आसान है इसको, और एक रमज़ान स्पेशल चाट है जो कि मेरे घर में अक्सर बनाई जाती है और सभी की ये बहुत फेवरेट है। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर देखनी है और बनानी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत चटपटी मज़ेदार होने वाली है। मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही बड़ा चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं बेसन का बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैं 2 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हमने इसमें बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा 1/4 टीस्पून के बराबर ज़रूर शामिल करना है। ड्राई मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे और पानी हमने इतना शामिल करना है कि ये बैटर पतला नहीं होना चाहिए, और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी। बेसन की फुलकियां या पकौड़ियाँ बनाते वक्त आप सोडा इसमें ज़रूर शामिल किया करें। इसकी वजह से पकौड़े जो हैं फूले फूले बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, उनके अंदर गुठली भी बिल्कुल नहीं होती है। सोडा शामिल करने के बाद बेसन को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। 5 से 7 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसके पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। यह आप देखें, बैटर इस तरह से होना चाहिए। इसको हम रेस्ट देंगे, उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे। तेल को मैंने हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम छोटे साइज़ के पकोड़े बनाकर शामिल करेंगे। आप हाथ से भी इसमें पकोड़े डाल सकते हैं। पकोड़ों को हम ऐड करेंगे इसमें, उसके बाद जैसे ही इनकी एक साइड पकना शुरू होगी उस साइड को हम टर्न करेंगे, तमाम तरफ से हम एक ही जैसे कलर लेकर आ जाएंगे। अच्छी तरह से पकाएँगे। हल्की आँच पर पकाने से ये होता है कि बिल्कुल ये अंदर तक पक जाते हैं, तो इनको हम टर्न करते रहेंगे, अच्छा सा कलर लेकर आ जाएंगे और इसको फिर यहाँ से निकालेंगे। तमाम पकौड़े हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये फुलकियाँ या पकौड़े काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुके हैं, कलर भी इनके ऊपर काफ़ी अच्छा आ चुका है, तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे। और बराबर में हमने पानी रखना है किसी भी बर्तन में। पानी में ऐड करते चले जाएंगे, उससे क्या होता है ये पानी सोख कर लेंगे और दही का जो पानी है वो ज़्यादा ये नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको फ़ौरन से हम पानी में शामिल करते रहेंगे। बाकी पकौड़े यहाँ पर बनाएंगे, जैसे ही पहला बैच पानी से हम निकालेंगे ये वाला बैच हम उस पानी में ऐड कर देंगे। कि लास्ट बैच में आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसको पानी में सोक किया था। पानी में मैंने 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया था। ये गरम गरम पकोड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, इसने काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। पानी में नमक शामिल करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि पानी में ऐड करने के बाद इन पकौड़ों का अपना जो नमक है वो फीका नहीं पड़ता है। तो हल्का सा आप नमक पानी में ज़रूर शामिल कीजिएगा। यहाँ देखें पकौड़ों में से पानी निकल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा पानी सोख कर चुके हैं, तो इनको मैं निचोड़ूंगी नहीं, बस ऐसे ही मैं इनको यहाँ से उठाऊँगी, साथ में हम बराबर में रखते चले जाएंगे। यहाँ देखें तमाम पकौड़ियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इसके लिए हम दही को बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ मेरे पास तकरीबन 650 ग्राम्स दही है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है, हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे। चाट मसाला इसमें 2 टीस्पून शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दही थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं इसमें 1/2 कप के बराबर पानी शामिल करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। थोड़े से उबले हुए आलू इसमें शामिल करेंगे। आलू भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे यानी फुलकियाँ शामिल करेंगे जो हमने पानी में भिगोकर रखी हुई थी। जितनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है दही के हिसाब से आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को आप किसी भी शेप में काट कर शामिल कर सकते हैं। टमाटर शामिल करेंगे, 2 से 3 टमाटर हैं इसको रफली काट लिया, ये भी ऐड करेंगे। इसके बाद हम पुदीना शामिल करेंगे और इसके अलावा हम हरा धनिया शामिल करेंगे। ये क्वांटिटीज़ मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा कम या ज़्यादा, मगर यही चीज़ें शामिल कीजिएगा। यकीन जानिए बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनकर तैयार होता है। इस तरह से अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे।
दही बड़ा चाट की ये रेसिपी इतनी लजीज बनती है, हमारे घर में अक्सर यही चाट बनकर तैयार होती है। आप भी अगर इसको एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे, बहुत चटपटी, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है और ये इतनी रिच है, इसके साथ किसी भी हरी चटनी या मीठी चटनी की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी को आपने ट्राई करना है और इसके अलावा मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा आपने लाइक करना नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।